वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा ने करनाल के कई गांव का दौरा किया। बड़ा गांव बीबीपुर जाटान, समोरा लगकरी और बीबीपुर ब्राह्मण गांव में सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत भी किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बीजेपी के पक्ष में वोट्स की अपील की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और देश की सीमाओं को मजबूत किया है। देखिए, मेरे आज का आपके बीच में आने का जो उद्देश्य है, वो जो आने वाली 25 तारीख को हमारे देश में चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और हमारे देश में चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप जो भी फैसला करेंगे आने वाली 25 तारीख को, सही कारणों से फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव है। ये पंचायती का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये जिला परिषद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव वह चुनाव है जो फैसला करता है कि देश को दिशा और दशा कौन देगा और देश को दिशा दशा क्या मिलेगी। क्योंकि आप अपना सांसद चुनते हैं और आपका सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। देश का प्रधानमंत्री फैसला करता है, वो नीतियां बनाता है कि आपका देश अगले 5 साल में कहां जाएगा, आपके लिए क्या कर सकता है देश, सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, ये चीजें निर्धारित होती हैं, इनके कानून बनते हैं। क्योंकि मैं इस बात की तस्दीक भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे यहां पर पहले मनोहर लाल जी के सानिध्य में और अब श्री नैब सिंह सैनी जी के सानिध्य में प्रदेश में भी सरकार चल रही है और आगे बढ़ रही है, हां देश में नरेंद्र मोदी जी को सक्षम बनाए ताकि वो आपके लिए काम कर सके, चाहे वो बॉर्डर का इशू हो, चाहे वो चाइना की व्यवस्था हो जो दुर्गम परिस्थितियां हैं बॉर्डर पे, चाहे वो पाकिस्तान का विषय हो। सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी चिंता करता है, आपके सैनिकों की चिंता करता है।